अपनी जीत सुनिश्चित समझते हैं। सवाल और विकास, विकास में बेगूसराय में कितने काम हुए, रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ है, अभी 17 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी आकर के गए हैं, गंगा पर पहली बार देश में 6 लेन ब्रिज गंगा पर कहीं बन रहा है, और तमाम वर्गों का, गरीब हों, अमीर हों, अग्रे हों, पिछड़े हों, सभी वर्गों का सहयोग इस सरकार को प्राप्त है, हमारी नीतियों को सभी का सहयोग प्राप्त है। NDA की सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं सरकार, यह सरकार दोनों फ्रंट पर मजबूती से काम कर रही है, गरीबों के विकास के लिए भी और तमाम आर्थिक नीतियों को भी, भ्रष्टाचार पर प्रहार। बेगूसराय बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। सर, आपकी भूमिका इस इलेक्शन में क्या होगी? हमारी भूमिका बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल तय है, जो हमारे उम्मीदवार आएंगे उनको जिताने के लिए हम लोग तन मन धन, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बने, देश को परम वैभव तक ले जाने के लिए हम सब लोग एकदम एकताबद्ध होकर, संगठित होकर काम करें। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ छवि से संबंधित नेतृत्वकर्ता श्री सर्वेश सिंह जी के आवास पे हूँ, और जो अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं, होली के रंगों के तरह लोगों की बात भी बदल रहे हैं, बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर्वेश बाबू भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें कि पार्टी, देश, समाज। होली की शुभकामना सभी लोगों को जो आपके व्यूअर हैं, बेगूसराय को, पूरे देश को। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, और इस महापर्व में बस शुरू हो चुका है, हमारी पार्टी बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ेगी। जो भी उम्मीदवार आएंगे, आज तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो भी उम्मीदवार आएंगे, निश्चित रूप से हम लोग पूरी क्षमता से प्रयास करेंगे यहाँ से जीत करके जाएं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बने, देश को परम वैभव तक ले जाने के लिए हम सब लोग एकदम एकताबद्ध होकर, संगठित होकर काम करें। पुनः होली की शुभकामना देते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। एक सवाल वो ये है कि अब जो आगे की रणनीति होगी, महागठबंधन को आप देख रहे हैं, उधर से जो कैंडिडेट आ रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो जो कैंडिडेट हैं उनको महागठबंधन भाव भी अभी तक नहीं दिया। दूसरी चीज़ कि आपका रणनीति, NDA की रणनीति क्या होगी, क्या विकास का ही मुद्दा सर्वप्रथम होगा? देखिए, राष्ट्रवाद ये हमारा प्रमुख वैचारिक मुद्दा रहता है, राष्ट्रवाद और विकास। विकास में बेगूसराय में कितने काम हुए, रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ है, अभी 17 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी आकर के गए हैं, गंगा पर पहली बार देश में 6 लेन ब्रिज गंगा पर कहीं बन रहा है तो सिमरिया में बन रहा है, फर्टिलाइजर कारखाना जो बरसों से बंद था शुरू हो रहा है। तो हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद, विकास, गरीबों का विकास, खास करके LPG कनेक्शंस दिए, घरों में बिजली गए, शौचालय बने, ये सब लोग बहुत बड़ी बहुमत से हम लोग बेगूसराय की सीट जीतनी चाहिए और पूरे देश में विजय होगा। पिछली बार हमको 19 करोड़ वोट आए थे 2014 में, इस बार 13 करोड़ घरों में LPG कनेक्शन पहुंचे हैं गरीब लोगों के घरों में, इसीलिए हम लोग बहुत निश्चिंत हैं और पूरी मेहनत करेंगे कि हम लोग बेगूसराय का चुनाव जीतें, और जीतेंगे। कौन आएंगे, महागठबंधन क्या करता है, ये महागठबंधन का विषय है, ये हम लोगों का विषय तो है नहीं। हमारा विषय देश का विकास, राष्ट्रवाद की अवधारणा का
संतुष्टिकरण ये हमारा विषय है और हम इस पर दोनों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और शुरू में ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था यह सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है और तमाम वर्गों का, गरीब हों, अमीर हों, अग्रे हों, पिछड़े हों, सभी वर्गों का सहयोग इस सरकार को प्राप्त है। हमारी नीतियों को सभी का सहयोग प्राप्त है। ये विषय हमारे सामने नहीं है कि महागठबंधन क्या करेगा, कौन आएंगे, कौन जाएंगे। सर ये जो अब ये इलेक्शन ठीक सर पे आ चुका, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, सारी व्यवस्था विधिवत चल रही है, आपको लगता है कि एनडीए के जो भी यहाँ पे लोकल नेतृत्व करता है उनके साथ जो हर साल वर्षों से लगे रहते हैं बूथ लेवल पे काम करते हैं, आम जनता को जानते हैं, क्षेत्र को जानते हैं, अपने समाज को जानते हैं, समाज के सामाजिक समरसता को समझते हैं, कहाँ किस तरीके का विकास हो, कहाँ किस तरीके के विकास से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्या इसको कहीं और की प्रत्याशी कितना जल्द समझ पाए। देखिए ये विषय नहीं है कहीं और के प्रत्याशी, ये कोई विषय नहीं है। बिहार में तो जॉर्ज साहब जीते हैं, मधु लिमये साहब जीते हैं, कृपलानी साहब जीते हैं, किसी और को किसका कहते हैं। एनडीए के प्रत्याशी होंगे, एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे, पहले सीट नहीं बटा था, अभी सीट बट गया बेगूसराय से भाजपा, अगर दूसरे भी दल के प्रत्याशी हैं तो हमारा स्टैंड यही होगा, हम एनडीए की सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं सरकार? देश को परम वैभव तक ले जाना है। पिछले 5 वर्षों में जो काम हुए हैं, 60 वर्ष 70 वर्ष में 14 करोड़ कनेक्शन, 13 करोड़ कनेक्शन पिछले 5 साल में गरीबों के घरों में गए, गरीबों के घरों में कनेक्शन गए, शौचालय नहीं था, 10 करोड़ से ऊपर शौचालय बने, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, किन गांवों में बिजली नहीं थी जो पिछड़े हुए गांव, किनके घर में शौचालय नहीं था जो गरीब, पेंशन की सुविधा, बीमा की सुविधा, यह सरकार दोनों फ्रंट पर मजबूती से काम कर रही है, गरीबों के विकास के लिए भी और तमाम आर्थिक नीतियों को भी, भ्रष्टाचार पर प्रहार, एक स्वच्छ आर्थिक व्यवस्था बनाने का काम, IBC कोड आए, बहुत सारे आप देख रहे होंगे अखबार में इसार स्टील और इससे बहुत भूषण स्टील, सैकड़ों कंपनियों का NCLT बना, सब नई व्यवस्था बनी, नई आर्थिक डिजिटल व्यवस्था बन रही है। तो ये सरकार गरीबों को भी विकास का रास्ता दे रही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, हाईवे की स्थिति देखिए कितने हाईवे बने, बंदरगाह की स्थिति देखिए, चाबहार बंदरगाह यान में जाकर के शुरू हो गया। उलाव हवाई अड्डा की बात क्यों नहीं आती? उलाव हवाई अड्डा का भी विषय आएगा, अभी बेगूसराय का जो विकास हो रहा है पर स्थानीय अगर बात करें तो निश्चित रूप से आज बिहार के 5 प्रमुख शहरों में बेगूसराय आ चुका है और खाद कारखाना बनने के बाद CNG कनेक्शन आने के बाद, CNG कनेक्शन आना एक बड़ी बात होगी, गैस मिलना एनर्जी के कॉस्ट को घटाएगा, उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को मदद मिलेगी। बेगूसराय बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है तो निश्चित रूप से उलाव हवाई अड्डे की भी बात होगी, सभी चीजें क्रम से आएंगी, हम विकास करेंगे बेगूसराय का विकास। मेरी अपनी समझ है कि बिहार के 3 प्रमुख शहरों में अगले 5 वर्षों में बेगूसराय गिना जाएगा, उस समय हवाई अड्डा भी बनेगा, हवाई अड्डा तो सभी कंपनियां खुद खोज रही हैं कि कहां से उनको पैसेंजर मिले, हवाई अड्डा कोई सरकार हवाई जहाज तो बहुत चला नहीं रही है, हवाई जहाज तो एक एयर इंडिया सरकार का है जिसकी की सेहत अच्छी नहीं, प्राइवेट के लोग चला रहे हैं, चलाएंगे। सर बेगूसराय जिला, आप बेगूसराय जिला एक औद्योगिक नगरी बिहार की है, आप एक उद्योगपति भी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक बड़े लीडिंग पार्टी के नेतृत्वकर्ता में से भी जाने जाते हैं, आपके पास वक्त कहाँ से आता है लोगों के लिए? देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, वक्त पृथ्वी घूमती है इसलिए वक्त आता है, किसी के पास कोई वक्त नहीं है। पर्सनली मुझसे पूछेगा, मैं 4 बजे सुबह में जगता हूँ, 10 बजे रात को सोता,
18 घंटे रोज काम करना है, क्योंकि मेरी यह समझ है कि हमारा प्रदेश पिछड़ा रह गया। क्यों पिछड़ा रह गया? हमने काम कम किया, इसलिए हमारा प्रदेश पिछड़ा रह गया है। हम लोगों को, सब लोगों को खूब कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो, कोई विकल्प, सच्चाई का, ईमानदारी का, चरित्र का, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। दुनिया में जो देश भी आगे बढ़े हैं, जो समाज भी आगे बढ़ा है, इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ा है। और निश्चित रूप से हम लोगों को दृढ़ निश्चय करना चाहिए, संकल्पित रहना चाहिए कि हम अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग करें। यह तो रुचि का विषय है, उद्योग में रुचि है मेरी, उद्योग में रुचि है, किस ढंग का उद्योग मैं करता हूँ, कृषि से संबंधित उद्योग जिससे किसानों की आमदनी बढ़े, शिक्षा में मेरी रुचि है। मैं जो विद्यालय चलाता हूँ उसमें हम किताब नहीं बेचते, कॉपी नहीं बेचते, ड्रेस नहीं बेचते, सैकड़ों बच्चे वहाँ फ्री में शिक्षा लेते हैं। सर आप बीएड का कॉलेज भी है आपका गंगा ग्लोबल करके, तो आपको नहीं लगता कि बेगूसराय हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट से छोड़ दीजिए, उधर खगड़िया, ये डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये एकदम जरूरी है छात्रों के लिए? देखिए, डिग्री कॉलेज छात्रों के लिए जरूरी है, लेकिन एक चीज़ हम लोग समझें, सरकार के पास जो पब्लिक का रेवेन्यू आ रहा है उसी से उसको व्यवस्था करनी, तो सरकार निश्चित रूप से इसको प्राथमिकता पर लेना चाहिए। लेकिन केंद्र में भी आप हैं, लेकिन राज्य में लेकिन, भी। लेकिन मैं इसमें एक दूसरी बात जोड़ना चाहता हूँ, डिग्री कॉलेज में मेरी समझ है कि प्राइवेटली जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आज स्कूल की बात कोई नहीं उठाता है, क्योंकि प्राइवेट को स्कूल खोलने की छूट है, तो बहुत सारे स्कूल खुल गए तो काम चल रहा है, हालांकि वो व्यवस्था महंगी हो रही है। डिग्री कॉलेज में भी शायद इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करें। अब इंजीनियरिंग की बात है, इंजीनियरिंग में सीटें खाली रह रही हैं, डिग्री कॉलेज की जरूरत है, लेकिन डिग्री कॉलेज में एक इस ढंग की अगर व्यवस्था बने कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज कोई भी बना सकता है, प्राइवेट स्कूल कोई भी बना सकता है, डिग्री कॉलेज बनाने की भी अगर कानून में प्रावधान किया जाए तो वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। सर आपकी भूमिका इस इलेक्शन में क्या होगी? हमारी भूमिका बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल तय है, जो हमारे उम्मीदवार आएंगे उनको जिताने के लिए हम लोग तन मन धन से पूरी क्षमता पूरी ताकत से लगे। अपनी जीत सुनिश्चित समझते हैं? मेरा जो मानसिक स्तर है, जो जिस ढंग से मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं इस चुनाव को। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के आम जनता के लिए कोई मैसेज इस चुनाव को लेकर? विकास के लिए वोट करें, राष्ट्रवाद के लिए वोट करें, और सब लोगों को होली की शुभकामना देता हूं। जी बहुत पुण्य की है, बहुत ही शानदार तरीके से हर बात को, हर बिंदु को छुआ है और बहुत साफ गोई से हर प्रश्नों का जवाब दिया है। सर्वेश जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू।